गुड आफ्टरनून, हमें खास लड़की के लिए खास अंगूठी की जरूरत है। हमारे पास बहुत सारी अंगूठियाँ हैं। मुझे सबसे अच्छी अंगूठी दिखाओ। इसे देखो, या वो नहीं, मुझे कुछ बिल्कुल अलग चाहिए। लाइट क्ले से बॉल बनाए। स्नैप, अब इस पर एक टेक्सचर है। व्हाइट इंसर्ट लगाएं। एक बड़े हीरे वाली बड़ी अंगूठी बनाने के लिए क्रिस्टल डेकोरेशंस और जंप रिंग का इस्तेमाल करें। एंगेजमेंट रिंग ग्रीन मैक्रोन के अंदर छिपी हुई है। ये लो, मुझे यही चाहिए। ये शानदार है। इसे पैक कर दीजिए। आपकी पेमेंट हो गई। शुक्रिया, तुमने सच में हमारी मदद की। मेरिनेट और टिकी अपनी छुट्टी एक साथ बिता रहे हैं। आखिरकार मैंने अपनी मनपसंद बुक पढ़कर खत्म कर दी। अब मेरे जाने का समय है। अच्छे से रहना, बाय। लेकिन टिकी को कुछ और काम है। जैसे ही मेरिनेट ने दरवाजा बंद किया, ये ढक्कन हटाओ। मैं फिर से इंसान बन जाऊंगी। बहुत बढ़िया, मैंने इस लुक को बहुत याद किया। मैं स्टाइलिश ड्रेस पहनूंगी और चली जाऊंगी। ओ, पेरिस हमेशा बहुत सुंदर दिखता है। इन एरोस का क्या मतलब है? ये एरो किस तरफ लेकर जा रहे हैं? वहाँ कुछ लिखा हुआ है। क्या येलो फ्लाइज क्यूट होते हैं? हाँ, वो कहाँ है? मैंने उन्हें ढूंढ लिया। वाह, इस बुके में कार्ड भी है। झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है। सामने आओ। माइम, क्या वो तुम हो? इसके बाद क्या? मुझे कहाँ जाना है? समझ गई। पिलर के लिए मेटल स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक ट्यूब काटें। मैरिनेट भी मदद कर रही है। वाह, सब कुछ बहुत बड़ा है। दो पेयर्स बनाएं, एक बड़ा और एक छोटा। उन्हें साथ जोड़ें। उसे सिल्वर पेंट करें। मूवेबल बाइनोकुलर्स लगाएं। कॉइंस के लिए ओपनिंग काटें। बेस को सजाएं। कंट्रोल पैनल चमक रहा है। जैसे ही आप इस पर कॉइन डालोगे, प्रोटेक्टिव स्क्रीन ऊपर हो जाएगी। तुम इससे लगभग सारा पेरिस देख सकते हो। वाह, यहाँ से सब कुछ बहुत सुंदर दिख रहा है। पास से देखने के लिए तुम्हें इसमें कॉइन डालना होगा। वाह, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं। लोग, गाड़ियाँ। ओह, वो फ्लैग है। वो मुझे ही देख रहा है। उसके हाथ में क्या है? फ्लैग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खजाने का क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल, मेरा जवाब हाँ है। कपल बहुत खुश है। हमारा भविष्य बहुत शानदार होने वाला है। हेलो, हमें एक बहुत सुंदर शादी की ड्रेस चाहिए। ओ, आप लोग एकदम सही जगह पर आए हैं। हमारे पास सिर्फ खास तरह के ही कपड़े होते हैं। क्या हम शुरू करें? ये थोड़ी सी अजीब है। हमने मॉडल्स पूरे कर लिए हैं और हमारे पास स्केचेस भी हैं। चलो ये पहन कर देखें। रिबन और वेल के साथ एक व्हाइट ड्रेस टिक्की के लिए अच्छी चॉइस नहीं है। ये बहुत ज्यादा हो गया। यस। चलो चेंजिंग रूम में चलें। नाप ले लो। ये भी अजीब ही है। टिक्की व्हाइट ड्रेस पहन कर देखो। वाओ। पफी ट्यूल स्कर्ट बनाए। आउटफिट को ग्लिटरी कॉर्सेट से पूरा करें। ये शानदार डिजाइन है। व्हाइट शूज पहनो। मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में? टिकी, एक बार अपने आप को देखो। हम तुम्हारे लिए सब कुछ पैक कर देंगे। मदद करके खुशी हुई। स्टायरोफोम ब्लॉक से स्ट्रिप काटें। एक और स्टैंड बनाएं। साथ में जोड़ें। फ्लैग के हिस्से में कान लगाएं। टिक्की के हिस्से को रोजेस और पर्ल से सजाएं। यहाँ कपल के मनपसंद रंग वाले रिबन्स भी हैं। गेस्ट बीच पर न्यूलीवेड्स का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कन्फेटी।
शुक्रिया दोस्तों। वैसे अगर तुम इस आर्च के नीचे से जाओगे तो कुछ शानदार होगा। वाह, टिकी और प्लैग ने उन्हें कुछ जादू दिखाने की सोची। वाह, ये जादू है। मेहमानों ने भी ये ट्राई करने का सोचा है। पहला कपल, और ये देखो, लड़की को वेल मिली और लड़के को बोट आई। ये बहुत अलग है, ये शानदार है। अब लोग मजे कर रहे हैं। हाय डॉक्टर, हमें मदद चाहिए। डैड शांत हो जाओ, काउच पर बैठ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत खुशी का दिन है। सही डॉल चुने, डायपर और शूज पर रेड पेंट करें। वाह, बेबी के बाल बिल्कुल टिकी के बालों की तरह लग रहे हैं। यहाँ आओ मेरी स्वीटी। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। ओह, आखिरकार। वाह, ये बहुत क्यूट है। ये टिक्की पर गया है, लेकिन ये मेरे जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। बेबी एलोएल सिस्टर्स बेटी में बदल रही है। स्नैप, बाय पेसिफायर। लड़की के लिए ग्रीन आईज बनाए। वाओ। बंस हटाए। बालों पर ब्लैक पेंट करें। पॉ प्रिंट बनाए। आप देख सकते हैं कि ये डैडी की बेटी है। प्लैग, चिंता मत करो, दूसरी बेबी तुम्हारी तरह दिखती है। ओह, ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। टिकी और प्लैग के दो बच्चे हैं, ये बहुत बढ़िया है। क्रिप बनाने के लिए मोटे कार्डबोर्ड के टुकड़े काटें। फ्रेम को साथ में जोड़ें। डिलीवरी, शुक्रिया। कार्डबोर्ड के नीचे का हिस्सा डिलीवर हो चुका है। फेल्ट की डबल लेयर से मैट्रेस बनाएं। इस पर सोने से पक्का अच्छे सपने आएंगे। ओ, उनकी देखभाल करना आसान नहीं है। ये सोने का समय है। अपनी आंखें बंद करो। ऐसा लगता है ये सो गए हैं। मैं जा सकती हूँ। लड़की को मीठा खाना बहुत पसंद है। उसने डोनट ढूंढा और बेड पर ले गया, और लड़की फ्लावर पॉट लाई ताकि चढ़ने में आसानी हो जाए। मिशन पूरा हुआ, अब वो डोनट्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तुम अभी डोनट्स नहीं खा सकते। वापस सोने जाओ इसके बिना, और मैं सब कुछ अपनी जगह पर रख देती हूँ। रख दिया, और अब मेरी फेरी टेल सुनो। अब बच्चों को नहलाने का समय है। प्लैग, क्या बच्चे तैयार हैं? मुझे उम्मीद है। लड़के को नहाना बहुत पसंद है, उसे पानी से खेलना अच्छा लगता है, और लड़की को नहाने में मजा नहीं आ रहा है। बिल्लियों को पानी नहीं पसंद है। हमें क्या करना चाहिए? ओह, शांत हो जाओ, इसका एक इलाज है। लाइन मार्क करें, फ्रेम काटें, फोम पेपर का सर्कल लगाएं। म्याऊ, हमने कैट फेस बना लिया। सिजर से वेट वाइप काटें। रोल करें, निचला हिस्सा बंद करें। कैट अपने आप ही वेट वाइप्स दे रही है। टिक्की का आइडिया बहुत अच्छा था। वेट वाइप्स स्किन का ध्यान रखते हैं। और कंटेनर बहुत क्यूट है, उसको वो पसंद है। वो खुश है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। नहाना तो मजेदार गेम बन गया है। फिर वो बच्चे उठ गए। ओह, मुझे उनके लिए कुछ काम ढूंढना होगा। स्नैक, स्टायरोफोम पीस से ब्रिक्स के टुकड़े काटे, उनसे फिगरिंस काटे, उन्हें रेड, व्हाइट और ग्रीन पेंट करें। हर क्यूब पर लेटर्स और नंबर्स लिखे हैं। ये क्यूब्स ड्रॉअर में थे, ये रहे। खैर बच्चों, चलो मैट पर खेलें।
मैं खुश हूँ कि बच्चों को क्यूब्स पसंद आए। उन्हें खेलते हुए देखना बहुत मजेदार है, लेकिन अब बाहर जाने का समय है। ओ, यहाँ सॉफ्ट पूल है। बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेंगे और उन्हें इसमें मजा भी आएगा। थोड़ा खेल लो, ठीक है? और मैं बुक पढ़ लेती हूँ। लेकिन अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आई। ओह, तुम्हें भूख लगी है? किस्मत से मैं हमेशा जरूरी चीजें अपने साथ रखती हूँ। यहाँ आओ, ये खाने का समय है।